आपका स्वागत है बच्चों। सिपाहियों इन्हें अंदर रख दो। महाराज डांडिया कब शुरू होगा? सब तैयार है तो डांडिया शुरू करें। यहाँ क्या हो रहा है कीचक? कीचक और मनु ने सारे पकवान खत्म कर दिए। कालिया झूठ बोल रहा है, सारे बर्तन पहले से ही खाली थे। कीचक और मनु तो हमारे साथ डांडिया खेल रहे थे। इसका मतलब खाना चोर कोई और है। जल्द से जल्द चोर को पकड़ना होगा। बुरी परी भी है और हमारा भीम और उसकी टोली। इन्हें किसने बुलाया? दूर हटो नहीं तो तुम्हें भी एक झटके में गायब कर दूंगी। देखो बुरी परी, त्योहार के दिन लड़ाई झगड़ा करने का मेरा मन नहीं है। क्यों ना इस मामले को हम डांडिया मुकाबले से सुलझा ले। बोलो मंजूर? मंजूर है भीम। कैसी हो मेरी बच्ची? कितने सालों बाद तुम्हें देख लिया हूँ। अरे इंदुमती, वो तो भले इंसान लग रहे थे, फिर ऐसा बर्ताव क्यों? ये तो छीनू है, पड़ोस के गांव जिनजिनपुर का राजा और पिताजी का जानी दुश्मन। बाकी क्रूर राजाओं की तरह ये भी अपने आसपास के राज्यों को जीतना चाहता है ताकि अपना नाम इतिहास में दर्ज करा सके। पिछले युद्ध में छीनू और पिताजी बाहरी ताकतों के खिलाफ साथ खड़े थे, पर छीनू ने युद्ध के दौरान पिताजी पर ही हमला कर दिया। पर पिताजी ने अंदर रक्षा कवच पहना हुआ था, इसलिए छीनू का हमला नाकामयाब हो गया और वो वहाँ से भाग खड़ा हुआ। पर ये यहाँ क्या करने आया है? पता नहीं, चलो चलकर देखते हैं। कृपया मुझे माफ कर दो मेरे प्यारे दोस्त इंद्रू, माफ कर दो। नहीं नहीं, अब इंद्रू और चीनू भाई भाई कभी नहीं हो सकते। महाराज मुझे लगता है आपको चीनू को एक मौका दे देना चाहिए। ठीक है भीम। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया भीम। पिताजी को काफी सालों बाद इतना खुश देख रही हूँ। मैं भी इस तोहफे को आजमा कर देखता हूँ। मेरा टैंक! अरे नहीं!
भीम, ये नक्शा तो किसी जादुई मणि तक पहुंचने का लग रहा है। पर मैंने तो इसके बारे में पहले कभी सुना नहीं है, वो भी महल के अंदर। अगर ऐसी बात है तो इससे पहले महाराज को दिखाते हैं। नहीं, पिताजी बड़े दिनों बाद बहुत खुश लग रहे हैं। मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। क्यों ना हम सब इस मणि के किसी और के हाथ लगने से पहले इसे ले आएं। सही कहा राजकुमारी, चलो चलते हैं। आगे डाल के। क्या मतलब? आगे डाल के देखो। ये जगह तो काफी डरावनी लग रही है। ये दानव लगता है। दोस्तों, मेंढक दानव के बारे में क्या हाल है? ये सब तो बहुत मजे करते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा मजा मैं भी कर लूं। ढोलो बोलो से पहले मैं कालिया का धप्पा करूंगा। वाह, इतने अद्भुत छल्ले यहाँ कैसे आए? मुझे पेड़ पे मिले। पेड़ लो, पेड़ पे फल की जगह छल्ले भी उगने लगे। लेकिन इन छल्लों का हम करेंगे क्या? ये मेरा, ये मेरा वाला है। मुझे ये छल्ला नहीं चाहिए, मुझे दूसरा वाला चाहिए। जो मिला है वो रख लो, वरना वो भी नहीं मिलेगा। वैसे तुम पे जंच रहा है कालिया, तुम जो कर जो ठहरे। राजू हो जा बाजू। परी टापू के मैजिक मेले में स्वागत है अच्छी परी। शुक्रिया रानी परी, इस बार मैं आपके लाडले भीम और उसके बहादुर साथियों का साथ लाई हूँ।
नमस्ते रानी परी। रानी परी जी, क्या आप जादू से मौसी के लड्डू ला सकती हैं? अब बड़ी याद आ रही है उनकी। माफ करना दोस्तों, वो जादू तो सिर्फ टुनटुन मौसी को ही आता है। क्यों? आ गया शरबत का स्वाद। कपिला, ऐसे मेहमानों के साथ शरारत नहीं करते। पहले उनसे माफ़ी मांगो और फिर जाकर कुएं से पानी लाने में मदद करो। माफ करो दोस्तों। हमें सबको एक साथ लाना होगा। लेकिन कैसे? क्योंकि इस पर किसी मायावी जादू का असर हुआ है। मैंने मेरी जादुई छड़ी का भी इस्तेमाल किया, मगर कुछ फायदा नहीं। कपिला, चारों ओर तबाही मची है और तुम झूला झूल रही हो? नहीं अच्छी परी, मैं कुएं पर पानी लेने गई और फिर थक गई तो झूले पर मेरी आंख लग गई। अरे तुम्हारी छड़ी तो रानी परी के पास है ना? फिर ये तो बुरी परी की छड़ी है। अच्छी परी, सही पकड़ा है एकदम। लेकिन अब टापू के इन बहते टुकड़ों को कैसे पकड़ोगी तुम? बाय बाय बच्चों, मैजिक मेले में आने के लिए शुक्रिया। ये क्या हो रहा है अच्छी परी? बुरी परी ने तुम्हें अपने वश में कर लिया था और उसने अपने जादू से परी टापू के टुकड़े कर दिए। भीम, लगता है उसने टुकड़े टुकड़े पोषण का इस्तेमाल किया है। मगर जितना मुझे याद है, मैं तो कुएं के पास थी। शायद उसने कुएं में टुकड़े टुकड़े पोषण मिलाया होगा जो जमीन के नीचे की सुरंगों से सारे टापू पर फैल गया। बिल्कुल सही चुटकी, हमें कुएं वाले टापू के टुकड़े तक पहुँचना होगा। भीम, तुमने हमेशा की तरह परी टापू की रक्षा की। ये तो हमारा फर्ज था, आखिर दावत पूरी किए बिना यहाँ से कैसे जाते? पर कालिया ने कुछ बाकी छोड़ा होता ना। सब हमेशा कालिया का मजाक उड़ाते हैं। तुम भी कालिया होते तो समझ जाते कि कालिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी कमर झुकने से लचक आ गई है। ओ, अब समझा, जब कालिया ने मजाक में कहा कि हम सब उसकी तरह बन जाएं, तब से हम ना चाहते हुए भी उसकी नकल करने लगे। लगता है कालिया का जोकर छल्ला हमारे छल्लों को कंट्रोल करता है। ना दोबारा करूंगा तुम सबको वश में आज यारा। जल्दी जल्दी उतारो। हम भूत बनने लगे हैं। राजू, बोलू बोलू, तुम गुब्बारा को व्यस्त रखो, तब तक हम कुछ सोचते हैं। हम तो भूत हैं। कालिया, सिर्फ तुमने ही छल्ला नहीं पहना है, गुब्बारा का तुम पर कोई कंट्रोल नहीं। कुछ करो। इस गुब्बारे को फोड़ना इतना आसान नहीं है। अगर मुझे हराना है तो तुम्हें अपने सारे दोस्तों को भी हराना होगा। क्यों दोस्तों? मेरे जादुई छल्ले और तुम्हारा मामूली लड्डू, देखते हैं कौन जीतेगा। हे, आक्रमण! Yeah!
छल्लों का क्या मतलब? जब तुम्हारे अलावा इन्हें कोई पहन ही नहीं रहा गुब्बारा, हम में से कोई भी भूत नहीं बनेगा अब। तुमने सही कहा भीम, मेरा कोई दोस्त नहीं होगा और मैं फिर से अकेला हो जाऊंगा। तुम ये सब दोस्त बनाने के लिए कर रहे थे गुब्बारा? और क्या। लेकिन गुब्बारा, तुम भूत हो तो क्या हुआ, इंसान रहकर भी हम तुम्हारे दोस्त बन सकते हैं। अरे हाँ, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं। ये पी, अब इन छल्लों की तो कोई जरूरत ही नहीं है। वैसे काश वो छल्ले हम एक और बार इस्तेमाल कर पाते। उस्ताद ने हमें इतना नचवाया था, हम भी उन्हें थोड़ा नचवा लेते। अरे उसके लिए मैं हूँ ना। शक्ति का राज भी पता है। मौसी, हमें भी दिला दो निंजा प्रिंस की शक्ति। Thank you.
ये कैसे हो सकता है? भीम ऐसे कभी नहीं कर सकता। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तुमने कबड्डी में सबको चोट पहुँचाई और इन सबका नुकसान भी किया। सही सुना है इंद्र वर्मा वर्मा वर्मा। देखो भीम आ गया। कितना नुकसान किया इसने हमारा। सही कहा तुमने। निकल जाओ, निकल जाओ। चुटकी चक्कू। पर मैंने किया क्या है? अच्छा तो तुम्हें याद नहीं? तो सुनो, लेकिन मैं तो अभी तक राजू की मदद कर रहा था, मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं। अच्छा मैं समझ गया, मुझे लगता है कोई हमशक्ल मेरी जगह ये सब कर रहा है। पर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा वरना बहुत देर हो जाएगी। चलो चल के उस डुप्लीकेट को ढूंढते हैं और राजू को भी साथ में ले लेंगे। इंद्र वर्मा अब इस सिंहासन से उतरो और मैं राजगढ़ का पूरे ढोलकपुर पे। तो अब गए इंद्र वर्मा। असली भीम के होते हुए मुमकिन नहीं है नकली भीम। अच्छा तो असली भीम आ ही गया, अब देखोगे मेरे नकली भीम का कमाल। अपना इरादा बदल दो नकली भीम, तो कौन मुझे रोकेगा? तुम देखते तो तुम बिल्कुल मेरी तरह हो, पर क्या तुम में मेरी ताकत है? अच्छा करता हूँ और वही मेरा उसूल है। तुम महान हो भीम, बस इसी तरह अच्छे काम करते रहना। सही वक्त पे लड्डू देने के लिए शुक्रिया चुटकी। ओहो कब तक यूं ही दूसरों को क्रेडिट देते रहोगे भीम? शुक्रिया के असली हकदार तो तुम ही हो। मैंने सुना है आइसक्रीम के साथ जलेबी का मजा कुछ और ही है। सोने की दुनिया में किया है प्रवेश, सोने की बारिश होगी तेज।
उस पर आएगी बड़ी समस्या। खेल खेलना ही होगा और उसे खत्म करने का कोई रास्ता भी निकालना होगा। लड्डू का शौकी